के माध्यम से इनको एक एक क्रम समझाता उतरूंगा। तो आज महसूस करा था ऐसा संभव नहीं हो सकता, 3 दिनों में ऐसा संभव नहीं हो सकता, 3 साल में भी ऐसा नहीं हो सकता। मैं तब हो सकता है तब तुम मेरे पास रहो, हर क्षण मेरी चेतना युक्त बन सको, क्योंकि समय इतना कम बच गया है कि फिर तुम एक बार मैं तुम्हें कहूंगा फिर तुम हिचकिचाओगे। तुम छलांग लगाने की हिम्मत है नहीं, और तुम अगर छलांग नहीं लगा तो मैं तुम्हें उठा करके छलांग लगाने की हिम्मत करता हूँ, और कल मैं तुम्हें वही करने जा रहा हूँ। सोचने विचारने की जरूरत नहीं, अगर मैं हिचकिचाऊंगा तो मेरी गलती हो जाएगी, अगर मैं अब तुम्हें समझाऊंगा तो भी मेरी गलती हो जाएगी, अगर मैं तुम्हें कूदने के लिए फिर बार बार प्रेरित करूंगा तो मेरी गलती हो जाएगी। अब मुझे केवल अगर तुम गांडी नहीं उठाओगे, तुम्हारे हाथ पकड़ करके उठाना है, तुम्हारे हाथ में गांडी देनी है, धनुष मारने को तैयार कर देना है, और मुझे तुम्हें समझा देना है कि करना नहीं। और इसीलिए कल का दिन तुम्हारा उत्सव का दिन है, महोत्सव का दिन है, जीवन का अपने आप में चेतना युक्त दिवस है, जिसको तुम साक्षात अनुभव कर सकोगे, एहसास कर सकोगे। अगर तुम इसको अपनी आंखों से देख सकोगे तो तुम देख सकोगे सामने स्वरूप को, जो इस मंच पर बैठा हुआ है वो अपने आप में अलग व्यक्तित्व तो दिखाई देगा, अलग चेतना दिखाई देगी, अलग धड़कन दिखाई देगी, अलग प्राणात्मक संबंध दिखाई देंगे। तब एहसास कर सकोगे कि तुम कुछ हो, और तब तुम समझोगे कोई व्यक्तित्व तुम्हारे सामने खड़ा है। और मैं भी समझा रहा था कि मुझे तुम्हें समझाने के लिए मैं आया भी नहीं, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे। यह तो जिस दिन ये प्राण चले जाएंगे, जिस दिन ये शरीर अपने आप ही चला जाएगा, उस दिन तुम्हारे पास हाथ मरने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। उस दिन तुम्हारे आने वाले पीढ़ियां तुम्हें धिक्कारेंगी, तुम्हें पूछे कि तुम्हारे पास एक जीवित व्यक्तित्व था, तुमने क्या कर लिया। जो महाभारत पांडवों को जो प्रश्न पूछा गया, कौरवों को जो प्रश्न पूछा गया, आने वाली पीढ़ियों ने परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा कि कृष्ण जैसा जागृत व्यक्तित्व था, तुमने क्या लाभ उठाया, उनके पास कोई उत्तर नहीं था, तुम्हारे पास भी कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि तुमने उस समुद्र के उस मानसरोवर पानी को चखाई नहीं, पास में आए खड़े रह गए, बस खत्म, डुबकी लगाने की क्रिया प्राप्त नहीं। और मैं 25 जन्मों तक तुम्हें डुबकी लगाने के लिए तैयार करता रहा, और अगर मैं ऐसी बात कह रहा हूं कुछ स्वार्थ नहीं है, और यदि ऐसी बात कह रहा हूं तो मुझे प्राण चेतना है, धड़कन है, इसलिए मैं बात कह रहा हूं, मुझ में क्षमता है इसको सिद्ध करने की, इसलिए बात कह रहा हूं, मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूँ, इसलिए बात कह रहा हूँ, और इसलिए बात कर सकता हूँ कि मैं पूरे पिछले 50 जन्मों के इतिहास का लेखा जोखा मेरा मेरे पास है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और मैं समझा रहा हूँ कि तुम कहाँ से, मैं कहाँ, और समझा रहा हूँ कि प्रत्येक हर बार ऐसी होती है, तुम घर जाते हो तो मुझे बुला सकते नहीं, संभव नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे आंख में आंसू छलछलाएंगे ही, तुम्हारे होठों पर मेरा नाम होगा ही, हर क्षण तुम्हारी स्थिति होगी मैं जाऊं और मिलूं। ये अलग बात है कि तुम्हारे विषय वास्तव तुम्हें रोक देगी, जेब में पैसे नहीं है, 1,000 की तनख्वाह है, गुजारा चलाना है, घर चलाना है, कैसे जोड़ तोड़ करनी है, मजबूरी में तुम्हारा समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नवरात्रि में जाकर के तुम वापस आए हो, कितनी कठिनाई तुम्हारे पास रही होगी, मैं समझता हूँ, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी बाधाओं को मैं समझता हूँ, वह जीवन तुम्हारा है, उस जीवन को काट नहीं सकते तुम।